नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा। पानी मंगवाने के बहाने किशोरी को कमरे में ले गया था आरोपी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मीना देउपा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 50,000 रुपए अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर उसे 2 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अर्थदंड की राशि में से 40,000 रुपए पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाएंगे। शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा के अनुसार एक महिला ने पटेल नगर कोतवाली में तहरीर दी थी कि 19 मार्च 2020 को उनकी 14 वर्षीय बेटी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान जीशान निवासी पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर जो कि उन्हें पहले से जानता था आया और बेटी से पानी मांगने लगा। जब उनकी बेटी पानी लेकर बाहर आई तो आरोपी उसे अपने कमरे में खींच ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने 20 मार्च 2020 को मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। 23 जून 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। गवाहों के बयानों में मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर कोर्ट ने जीशान को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।